भारत पहुंचाने की कोशिश भी बेहद आनन फानन में की गई, बहुत जल्दबाजी में की गई। अगर इस दौरान जरा सी भी देरी होती तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीएम आवास से शेख हसीना को हेलीपैड ले जाया गया। वहां हेलीकॉप्टर के जरिए हसीना और उनकी बहन रेहाना एयरफील्ड पर पहुंची। फिर दोनों मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठकर बांग्लादेश से भारत के लिए उड़ान भरी। 5 अगस्त को करीब 6 बजे शेख हसीना C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। भारत की मदद से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की जान तो बच गई, लेकिन उनके देश से की जा रही साजिशें थमी नहीं है। मोदी सरकार हमारे मां की जान बचाए दी है, इसके लिए उनके प्रति हमारी शुक्रिया है। लेकिन अवामी लीग, विदाउट अवामी लीग, बांग्लादेश इस इंडिया ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा। बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के बीच भारत में घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। बॉर्डर पर बुधवार को 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने घुसपैठ से रोका। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े लोग खौफ में हैं। ज्यादातर भारत में घुसपैठ कर अपनी सलामती की गारंटी चाहते हैं। भारत में शरण की आस में किशनगंज बॉर्डर पर आए सैकड़ों बांग्लादेशियों को वापस लौटाया गया। बांग्लादेश सरहद पर सीमा सुरक्षा बल सतर्क है। वहीं बांग्लादेश में आवामी लीग के नेताओं ने शेख हसीना की दमदार वापसी का भी ऐलान किया है। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे के सामने एकजुट होकर शेख हसीना को वापस लाने की कसम खाई है। आवामी लीग और उसके सहयोगी दलों ने हसीना के वतन वापसी तक आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने एक वीडियो रिलीज कर बड़ा ऐलान किया है। वीडियो संदेश में सजीव वाजेद ने कहा है कि मैंने कहा था कि हमारा परिवार राजनीति में वापसी नहीं करेगा, लेकिन हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। सजीव ने दावा किया है कि आवामी लीग खत्म नहीं हुई है। आवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, जिसके बिना लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाना संभव नहीं। साजिब ने ये तक कहा कि शेख हसीना मरी नहीं है, हम बंग बंधु का परिवार है, हम कहीं नहीं गए हैं। उधर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने पर कई संवैधानिक सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार का कोई जिक्र नहीं है। पहले भी अंतरिम सरकार बनाई गई तो उसके लिए संविधान के अंदर उचित संशोधन किए गए थे। उधर बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार को लेकर कई संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार का कोई जिक्र नहीं है। पहले ऐसी सरकार चलाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। बांग्लादेश के संविधान में 13वां संशोधन 1996 में पारित किया गया था, जिसमें आम चुनाव कराने और सत्ता हस्तांतरण के लिए कार्यवाहक सरकार के प्रावधान को शामिल किया गया। लेकिन इसमें भी कई पेच है, यानी अंतरिम सरकार का भविष्य सुरक्षित है कहा नहीं जा सकता। ऐसे में बांग्लादेश के दुश्मनों को अपने प्लान को अंजाम देना और भी आसान होगा। बांग्लादेश को सिविल वॉर में झोंक कर जिस एक मुल्क को सुकून मिलेगा उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश इस धरती पर सिर्फ एक देश की आंख की किरकिरी है। हालांकि शेख हसीना की वापसी के संकेत मिलने भर से उस मुल्क के होश फाकता है, क्योंकि शेख हसीना की वापसी का मतलब ही तमाम साजिशों का अंत होगा। करीब 1 साल और 10 कत्ल, हर कत्ल